So hello students, in this session today we are going to read and know about the chapter The Laburnum Top. Okay, so let us read the poet's introduction first. Okay, so ये जो Laburnum Top poem है ये Ted Hughes के द्वारा लिखी गई है. Okay, it is about a repaying relationship between the laburnum tree and the goldfinch bird. ठीक है, एक गोल्ड फिंच नाम की एक बर्ड है और लेबरनम नाम का एक ट्री है, उसके उन दोनों के बीच में जो है उनकी बीच की रिलेशनशिप इस पोएम में बताई गई है. द ट्री इज़ येलो, जो पेड़ है वो कैसा है, येलो है, साइलेंट है एंड डेथ लाइक. डेथ लाइक क्यों है, क्योंकि लेबरनम ट्री के जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो पॉइजनस माने जाते हैं, यानी कि जहरीले माने जाते हैं. एंड इज़ मेड अलाइव बाय द बर्ड एंड हर यंग वंस. और उस ट्री को जो कि एक नेगेटिव ट्रेट रखता है, यानी कि डेथ का, और यू नो साइलेंट सा होता है, बिल्कुल डेथ का सिंबल होता है, पॉइजन का सिंबल होता है, वो उस ट्री को ये जो गोल्डफिश नाम की बर्ड है इसके द्वारा जो है जिंदा कर दिया जाता है, अलाइव कर दिया जाता है, बड़ा ही एक्साइटेड कर दिया जाता है. द येलो बर्ड हैज़ हर शेल्टर ऑन द ट्री वेयर शी फीड्स हर यंग वंस. ठीक है, और ये जो चिड़िया है, ये जो बर्ड है, ये उस ट्री में शेल्टर लेती है. वेयर शी फीड्स हर यंग वंस, जहाँ पर वो अपने बच्चों को या फिर अपने घर वालों को खाना खिलाती है. बट एज सून एज द बर्ड लीव्स टू फ्लाई इन द स्काई द ट्री बिकम्स साइलेंट एंड डेथ लाइक अगेन. लेकिन जैसे ही वो चिड़िया उड़ जाती है, जो पेड़ है वो फिर से सुनसान और डेथ लाइक हो जाता है, यानी कि उसकी रौनक जो है वो चिड़िया से होती है. ठीक है, समरी मैंने आपको नोट्स में दे दी है, तो आप समरी नोट्स में से कीजिएगा. अभी हम चलते हैं डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन की तरफ. ठीक है, पोएम को पढ़ के देखते हैं कि पोएम में एक्सप्लेनेशन हमें किस तरह से दी गई है. तो लिखा है द लेबरनम टॉप इज साइलेंट. कि लेबरनम टॉप क्या है, टॉप क्यों बोला है यहाँ पर, कि लेबरनम पेड़ के टॉप वाला हिस्सा बताया गया है कि वो कैसा है, साइलेंट है, क्वाइट स्टिल, यानी कि ठहरा हुआ है. इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, और आफ्टरनून में येलो सितंबर सनलाइट, हमें कब का वक्त बताया गया है, सितंबर का, और सनलाइट का, यानी कि सितंबर की हमें दोपहर बताई जा रही है. अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियां हैं जो कि पीली पड़ रही हैं. ऑल इट्स सीड फॉलन, और उसके सारे सीड्स जो हैं वो फॉल कर चुके हैं, गिर चुके हैं. ठीक है, लेबरनम का मतलब आप यहाँ जान सकते हैं, शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड, है ना, जिसकी हैंगिंग ब्रांचेस होती, लटकती हुई शाखाएँ होती हैं, पीले कलर के फूल होते हैं और पॉइजनस यानी कि जहरीले सीड्स होते हैं. टिल द गोल्डफिंच कम्स, जब तक गोल्डफिंच नहीं आ जाती, विद अ ट्विचिंग चिरप, अपनी चहचहाती हुई आवाज़ के साथ. ट्विचिंग का मतलब होता है झटके लेना, है ना, झटके से जो आवाज़ वो निकालती है, चिरप करती है, चहचहाती है, जब तक वो अपनी ट्विचिंग चिरप के साथ नहीं आ जाती. अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, तो क्या होता है फिर उसके आने के बाद, कि जो सडननेस होती है, जो शांति होती है, स्टार्टलमेंट यानी कि यहाँ देख सकते हैं हम, स्टार्टलमेंट का मतलब एक सडन शॉक जो होता है ना, एक शॉक जो होता है उस पेड़ में, एट अ ब्रांच, उस ब्रांच पर एंड, वो ख़त्म हो जाता है. देन स्लीक एज अ लिजार्ड, फिर वो क्या करती है, स्लीक यानी कि अंदर घुसती है एक लेजार्ड की तरह, एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, और फिर क्या करती है, अलर्ट कर देती है फिर, और एब्रप्ट कर देती है, यानी कि तेज़ी से, एब्रप्ट मतलब होता है तेज़ी से, रैपिडली. ठीक है, शी एंटर्स द थिकनेस, क्या करती है वो उस पेड़ की घनेपन में, थिकनेस का मतलब उसका घनापन जो है, उसमें एंटर कर जाती है. एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और फिर एक मशीन जैसे मानो शुरू हो जाती है, ऑफ चिटरलिंग्स, चहचहाट की, यानी कि उसके पेड़ के अंदर जो चिड़ियाएँ हैं वो चहचहाने लग जाती हैं, और एक गोल्ड फिंच जो है बाहर से आती है और आकर अंदर जाती है और उन सारी चिड़ियाओं को जगा देती है. एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, और एक ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर का मतलब होता है पंखों की गड़गड़ाहट. ठीक है, जो पंखों को झटकारने की जो आवाज़ होती है उसको ट्रेमर बोलते हैं. तो एंड ट्रिलिंग्स, ठीक है, और ट्रिलिंग्स का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है टू प्रोड्यूस अ चिरपिंग साउंड. ठीक है, ट्रमर ऑफ विंग्स का मतलब दिया गया है इनवॉलंटरी वाइब्रेशन ऑफ द विंग्स, तो विंग्स के वाइब्रेशन, उनके पंख जो होते हैं उसके वाइब्रेशन, और ट्रिलिंग्स यानी कि चहचहाने की आवाज़ जो मिक्स्ड होकर आती है. द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, तो क्या होने लगता है, पूरा के पूरा पेड़ जो है ट्रेम्बल्स, यानी कि कांपने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, एंड थ्रिल्स, और उसमें काफ़ी एक्साइटमेंट भर जाता है.
इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये तो उसके फैमिली का इंजन है, यानी कि उसकी फैमिली जो वहाँ लेबनान टॉप पर रहती है, ये उसका इंजन है कि वो स्टार्ट सा हो जाता है और पूरा पेड़ जो है वो शेक करने लगता है। जिस तरह गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं पूरी गाड़ी जो है वाइब्रेट करने लगती है ना, इसी तरह से शी स्टोक्स इट फुल, द फ्लड्स देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड। ठीक है, अब वो इसको इस इंजन में फ्यूल डालने का काम करती है। ठीक है, वो बाहर से आती है ना, और अंदर जाती है, और फिर उसके जाने के बाद चहचहाना सबका शुरू हो जाता है, यानी कि उसके आने से पहले कोई भी चिड़िया उस पेड़ के अंदर चहचहा नहीं रही होती। ठीक है, देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, फिर वो वापस से क्या होती है, फ्लर्ट आउट यानी कि बाहर आ जाती है उस ब्रांच के एंड पर जहाँ से वो अंदर गई थी, शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, अपने बेर्ड फेस यानी कि स्ट्रिपी फेस, उसके चेहरे पर कुछ लाइंस स्ट्रिप्स स्ट्राइप्स बनी होती हैं। ठीक है, तो वो दिखाते हुए अपने आइडेंटिटी मास्क की हैसियत से उसको दिखाते हुए वो बाहर आ जाती है। ठीक है, देन विद ईयरी डेलिकेट विसल चिरप स्प्रिंग्स शी लॉन्चेस अवे। फिर क्या होता है कि बड़े ही अजीब, ईयरी का मतलब होता है वियर्ड एंड स्ट्रेंज, डेलिकेट विसल, ठीक है, अपने शानदार विसल चिरप यानी कि सीटी बजाते हुए जो चिरप चहचहाती है वो स्प्रिंग से, तो बड़ी जो कि बड़ा कितना कैसा लगता है, डेलिकेट लगता है। शी लॉन्चेज अवे, वो उड़ जाती है टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत की ओर मुड़ जाती है, मतलब इनफाइनाइट की ओर मुड़ जाती है, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ तक गई। एंड द लेबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लेबर्नम ट्री है वो फिर से खाली खाली सा दिखाई देने लगता है। सबसाइड्स का मतलब होता है कम हो जाना, है ना, एम्प्टी का मतलब बिल्कुल खाली। अब यहाँ देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी हमें दी गई हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया गया है एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है, जब भी हम किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड को क्लोजली कनेक्टेड वर्ड से कॉन्सिक्यूटिव वर्ड में रिपीट करते हैं तो वो हमें एलिटरेशन का एक फाइन एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो एलिट्रेशन है ना, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेप्टेम्बर सनलाइट एंड ट्री ट्रेम्बल्स, इन दोनों में एस एस एंड टी टी बार बार रिपीट किया जा रहा है दो बार, तो इस वजह से ये एलिट्रेशन का एक फाइन एग्जाम्पल बन जाता है। फिर हमारे पास सिमिली आ जाती है, ठीक है, स्लीक एज अ लेजार्ड, तो कैसी होती है वो, स्लीक एज अ लेजार्ड का मतलब लेजार्ड की तरह बिल्कुल स्लीक पतली सी होती है। ठीक है, तो कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज, है ना, अगर हम किसी भी चीज़ को दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं लाइक या एज का यूज़ करके तो वो सिमिली का एग्जाम्पल बनता है। फिर हमें मेटाफर भी देखने को मिल जाता है, मेटाफर क्या होता है, फिर इनडायरेक्ट कंपैरिजन को हम मेटाफर बोलते हैं, बिना यानी कि सिमिली में हम लाइक और एज का यूज़ करके जो है कंपैरिजन करते हैं, लेकिन मेटाफर में हम जब कंपैरिजन करते हैं तो कोई लाइक और कोई एज का यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली कंपेयर करते हैं इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, तो जैसे बोला शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, ठीक है, तो मशीन क्या बोला गया, मशीन जाहिर सी बात है कोई चिड़िया कोई मशीन नहीं होती, लेकिन एक मशीन को चिड़ियाओं के जो चहचाना है उनसे कंपेयर किया गया, यानी कि उसकी क्वालिटी को कंपेयर किया गया, जो मशीन वाइब्रेट करती है स्टार्ट करने के बाद आवाज़ करती है, इस तरह से वो जब चिड़ियाएँ शुरू हो जाती हैं चहचहाना तो पूरा जो लेबनम टॉप है लेबनम ट्री है वो ट्रेम्बल करने लगता है, हिलने लगता है और वाइब्रेट करने लगता है और उनसे आवाज़ आने लगती है। ठीक है, द नॉइज़ क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द बर्ड इज़ कम्पेयर्ड टू द मशीन्स नॉइज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नॉइज़ है क्रिएट किया गया है बर्ड्स के मूवमेंट के द्वारा उसको कंपेयर किया गया है मशीन की आवाज़ से। फिर उसके बाद इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, ये भी हमें एक मेटाफर का एक फाइन एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है यहाँ पे, कि वो जो चिड़िया है जो बाहर से आती है वो इंजन ऑफ हर फैमिली बताई जाती है, शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क। ठीक है, यहाँ पर भी एक हमें मेटाफर का फाइन एग्जांपल देखने को मिल जाता है, इन सबको आप अंडरलाइन कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा एग्जाम पर्पज़ के लिए। फिर हमें देखने को मिल जाता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, द एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल नेचर करेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग नॉन ह्यूमन, द होल ट्रीज ट्रेम्बल एंड थ्रिल्स। ठीक है, द एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल नेचर, ठीक है, जो एट्रीब्यूशन है पर्सनल नेचर के करेक्टरिस्टिक्स के टू समथिंग नॉन ह्यूमन, है ना, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि इंसानी नहीं है, ठीक है, जो इंसान नहीं है उसको इंसान की क्वालिटी देकर कंपेयर किया जाना। तो यहाँ पर देखो द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, तो जो ट्रेम्बल और थ्रिल वाली क्वालिटी है वो इंसान के पास ही होती है, लेकिन यहाँ पर उसको एक पेड़ के लिए बताया जा रहा है, तो यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि इसमें पोएट ने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। फिर हमारे पास आ जाता है फिफ्थ लिटरेरी टर्म,
ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है, ये क्या होता है? द फिगर ऑफ स्पीच वेयर द एडवर्ब इज ट्रांसफर्ड टू अनदर नाउन, ठीक है, जहाँ पर कुछ जो एक एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण, ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, हाँ, इज ट्रांसफर्ड टू अनदर नाउन, जिसको ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे नाउन में, जैसे कि हर बेड फेस आइडेंटिटी मास्टर, यहाँ पर बेड जो है एक एडवर्ब है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको नाउन में ट्रांसफर कर दिया गया है, बेड फेस कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ हमें देखने को मिल जाता है कि वर्ड कितनी अच्छी तरह से सारे लिटरेरी टर्म्स को यूज़ करता है इस पोएम में। एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव लाइक द चैप्टर। जो समरी है वो आपको ये सारे नोट्स नोटबुक में नोट डाउन भी करने हैं, और जो समरी है उसको आपको पढ़ना है, और कोई डाउट होता है तो मुझसे क्लियर करना है। थैंक यू सो मच। दिस वॉज द वीडियो टू मेक यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। See you in the next session.